नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादनम, बहुत बहुत सुस्वागतम। हमारा जो बिंदु चल रहा था उसका नाम है समास प्रय करना। इससे पहले हमने आपके लिए समास की परिभाषा, समास की उत्पत्ति, समास विग्रह, समस्त पद या साम साम्यक पद, समास में कितने पद होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, लेकिन पांच प्रकार भी इसके माने जाते हैं। केवल समास को भी इसमें पांचवा समास माना जाता है। आज हम सबसे पहले अव्यय भाव समास को आपके लिए बताते हैं। अव्यय भाव समास, अव्यय, अव्ययी का मतलब है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? ऐसी शब्द जिनके रूप लिंग वचन, जिनकी रूप लिंग वचन, पुरुष लिंग वचन आदि में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय की निपात संज्ञा होती है, अव्यय की निपात संज्ञा होती है, अव्यय निपात उपसर्ग। ऐसे शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अपनी मूल अवस्था में हमेशा रहते हैं, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो इसका नाम है अव्ययी भाव समास। इस समास का जो नाम है वो नाम है अव्ययी भाव समास। इसके जो लक्षण है वो लक्षण है जैसे लक्षणम नंबर एक, अव्ययम अव्ययम विभक्ति समीपम, अव्ययम विभक्ति समीपम। ये इसका लक्षण है नंबर एक। और नंबर दो, पूर्व पद प्रधानों अव्ययी भाव, ये इसके दो लक्षण है, दोनों का भाव एक ही है। अव्ययम विभक्ति समेत जिस समास का पहला पद परिभाषा इसकी वर्ती है परिभाषा, जिस समास का पहला पद, कौन सा पद? पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद किसे कहते हैं? उत्तर पद को। और दूसरा पद कोई संज्ञा शब्द दिया हो तो वहां अव्यय भाव समास होता है। जिस समास का पहला पद अव्यय शब्द हो, दूसरा पद कोई संज्ञा हो, तो उसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है अव्ययम विभक्ति समीप।
यानी विभक्ति के पास में यदि अव्यय शब्द दिया हो। मित्रों बच्चों, विभक्ति किसमें लगती है? संज्ञा। जब विभक्ति उसमें लग जाती है तो वो पद बन जाता है। और विभक्ति किसमें लगती है? संज्ञा में लगती है। विभक्ति लगने के बाद वो पद बन जाता है और अव्यय शब्द उससे पहले लगा होता है। अर्थात विभक्ति से पहले यदि अव्यय शब्द दिया हो तो वहां अव्यय भाव समास होता। मित्रों, समास में जो लक्षण मिलता है वो समस्त पद का लक्षण मिलता है। समास में जो लक्षण हमें मिलेगा वो समस्त पद का लक्षण मिलता है, समस्त पद की परिभाषा हमें बताता है। लेकिन संधि में जो नियम दिया होता है वो संधि विच्छेद का नियम दिया होता है। संधि विच्छेद ज्ञात करने के बाद हमें संधि युक्त पद को सीखना होता है। इसमें समस्त पद को सीखने के बाद हमें समास विग्रह सीखना होता है। परिभाषा, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद कोई संज्ञा शब्द दिया हो तो वहां अव्यय भाव समास होता है। नंबर दो, पूर्व पद प्रधानो अव्यय भाव। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। पूर्व पद और पहला पद कौन सा होता है? अव्यय। दोनों की परिभाषा एक ही है, एक ही लक्षण है, भाव एक ही है। जिस समास में पहला पद यदि अव्यय शब्द दिखाई देता है तो आपको वहां अव्यय भाव समास लिखना है। समास के परिवार में छह सदस्य माने जाते हैं और एक परिवार में सदस्य होते हैं अनेक, लेकिन उनके रिश्ते होते हैं अलग। समास, मान लीजिए समास का नाम रखते हैं अजय। तो समास का नाम रख दिया अपन ने, क्या रख दिया? अजय। अव्ययी अजय की भावी, तत्पुरुष अजय का ताऊ, कर्मधारी अजय का काका, दिगो द्वंद अजय का दद्दू, अजय का दादा, और बहु ब्रीही अजय की मिसेज। इस प्रकार से ये समास के परिवार में छह सदस्यों का वर्णन होता है। सबसे पहला है अव्यय भाव समास, ये इसकी परिभाषा है। इसके बाद आगे चलते हैं कि हम अव्यय भाव समास को किस प्रकार से उसका विग्रह करें, किस प्रकार से उसका हम समस्त पद में रूपांतरण करें। नंबर एक, नियम नंबर एक, इस समास में बना हुआ जो समस्त पद रहता है वो समस्त पद रहता है नपुंसक लिंग एक वचन। नपुंसक लिंग एक वचन में इसका समस्त पद रहता है, यानी अधिकांशतः आपको नपुंसक लिंग बनाने के लिए आपको अधिकांशतः अम का प्रयोग करना। लेकिन नियम नंबर दो, यदि उत्तर पद यानी संज्ञा से यदि अंतिम जो संज्ञा है उसमें जो हमें नपुंसक लिंग में परिवर्तित करना है वो यदि इकारांत है या उकारांत है,
अम के स्थान पर, किसके स्थान पर, अम के स्थान पर हम उसको जब नपुंसक लिंग में बनाते हैं तो गुरु वर्ण को लघु वर्ण में बदल देते हैं। इसका समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है, जिसके लिए आपको अधिकांशतः अम लगाना है अंत में यानी उत्तर पद। लेकिन यदि संज्ञा इकारांत या उकारांत है तो वहां अम के स्थान पर गुरु वर्ण को लघु वर्ण में बदल देते, वहां अम का प्रयोग नहीं। इसमें अगला जो नियम है, अगला जो नियम है कि यदि नदीवाची शब्द दिए हों, ठीक, और इनसे पहले यदि संख्या दी हुई, नदीवाची शब्द हो, इनसे पहले यदि संख्या दी हुई हो तो वहां द्विगु समास नहीं होता है। यदि नदीवाची शब्दों के साथ में संख्या दी हुई हो, आप ये जानते हैं कि संख्या पूर्वो द्विगु, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। लेकिन संख्या के बाद में यदि नदीवाची शब्द दिए हो तो वहां द्विगु समास नहीं होता है, वहां समास होता है अव्ययी भाव शब्द। इस प्रकार से ये समस्त पद की पहचान, ये समस्त पद के नियम है। इस समास का बना हुआ समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है, जिसके लिए आपको अधिकांशतः अम का प्रयोग करना, एकारांत या उकारांत यदि संज्ञा शब्द है उत्तर पद तो अम के स्थान पर गुरु वर्ण को लघु वर्ण में बदल देते। तीसरा जो नियम है वो ये है कि यदि संख्या के साथ में नदीवाची शब्द दिए हो तो वहां द्विगु समास के स्थान पर अव्ययी भाव समास होता। ये इसके जो नियम है, ये नियम है समस्त पद के। किसके नियम है? ये समस्त पद के। इसके बाद समस्त पद हमने कर दिया, समस्त पद हमने कर दिया, अब समास विग्रह भी हमें करना है। इसके बाद आता है समास विग्रह। आइए समास विग्रह हम इसका किस प्रकार से करते हैं। समस्त पद से जब विग्रह किया जाता है तब हमें सबसे पहले एक बात, एक बिंदु का विशेष ध्यान रखना है, स्थान परिवर्तनम भव, कि स्थान परिवर्तन होता है। इस समास में जब हम समस्त पद से विग्रह करते हैं या विग्रह से समस्त पद बनाते हैं तो इन दोनों का, चाहे वो समस्त पद हो चाहे समास विग्रह हो, इन दोनों का जो पहला नियम है वो दोनों का समान नियम है, और वो नियम है स्थान परिवर्तन। नियम विग्रह, पहला नियम है स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन का मतलब है कि आगे से पीछे और पीछे से आगे। उत्तर पद के स्थान पर पूर्व पद लिखना
और पूर्व पद के स्थान पर उत्तर पद लिखना। ये स्थान परिवर्तन है। मैं पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों को इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया। यदि समस्त पद दिया हो तो स्थान बदलो, यदि समास विग्रह दिया हो तो स्थान पर, आगे से पीछे और पीछे से आगे। अगला जो हिस्सा है उसे पीछे लगा दो और जो पिछला हिस्सा है उसे आगे लगा। पहला नियम, स्थान परिवर्तन इसमें किया जाता है। नियम नंबर दो, अव्यय जो शब्द होता है, अव्यय शब्द के पर्याय शब्द लगाते हैं, इसका जो दूसरा नियम है वो नियम है कि अव्यय शब्द के पर्यायवाची शब्द लगाएं। जब हम स्थान परिवर्तन करते हैं तो इन शब्दों को हम बदलते हैं। जैसे मैं इनका कुछ उदाहरण यहां देता हूं, जैसे उप के स्थान पर आपको लिखना है समी, अनु अनु के स्थान पर आपको लिखना है पश्चात या योग्य। इसके दो अर्थ हैं, योग का अर्थ है और पीछे अर्थ है। उप यदि दिया है समीपम का प्रयोग करेंगे, समीपम यदि दिया है तो उप का प्रयोग करेंगे, अनु दिया है तो पश्चात का प्रयोग करेंगे, अनु यदि दिया है यदि उसका अर्थ योग में रूप गुण दोष जैसे शब्द दिए हों तो वहां हम अनु का प्रयोग करते, अनु के बाद में रूप गुण दोष जैसे शब्द दिए हों, योग्यता यदि उसकी बतलाई जाती है तो वहां योग्यम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगला शब्द आता है निर, निर के स्थान पर हम लगाते हैं अभाव। निर के स्थान पर हम क्या लगाते हैं अभाव। इसी प्रकार सु, सु के स्थान पर हम लगाते हैं समृद्धि। सु माने समृद्धि अर्थात विकास। इसी प्रकार से एक शब्द है दुर, दुर के स्थान पर लगाते हैं वृद्धि यानी विनाश। इनके योग में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, इनके योग में विभक्ति लगाते हैं और उस विभक्ति का नाम है षष्ठी। देखिए उप यदि दिया हो समीपम, अनु यदि दिया हो पश्चात, अनु के बाद में रूप गुण दोष दिए हो तो योग्यम, निर के स्थान पर अभाव, सु के स्थान पर समृद्धि और दुर के स्थान पर वृद्धि। इनके साथ में विभक्ति जो हम लगाते हैं उस विभक्ति का नाम है षष्ठी विभक्ति। विभक्ति कौन से लगाते हैं षष्ठी विभक्ति। आगे एक शब्द है आ, आ के स्थान पर लगाते हैं पर्यंत। इस प्रकार से आ के स्थान पर लगाते हैं पर्यंतम,
यथा यथा के स्थान पर लगाते हैं अनतिक्रम, अंतिक्रम, अधि अधि के स्थान पर लगाते हैं इति, और इसमें विभक्ति लगाई जाती है सप्तम से के जो अर्थ है वो दो अर्थ है, से माने सादृश्यम, इसके योग में विभक्ति लगती है षष्ठी, और दूसरा अर्थ है सहिता, इसमें विभक्ति लगाई जाती है तृतीय, इसमें जो विभक्ति लगाई जाती है वो लगाई जाती है तृतीय। इस प्रकार से अब ये शब्दों में हम इस प्रकार से परिवर्तन करते, यदि पहले उप दिया हो तो उप को, जब पहला पद उप है इसी हम उत्तर पद के स्थान पर लिखेंगे और उप की जगह पे लिखेंगे समीप। संज्ञा जो शब्द है उस संज्ञा शब्द में हम विभक्ति लगाते हैं षष्ठी। इस प्रकार से हम समस्त पद को समास विग्रह में और समास विग्रह को समस्त पद में रूपांतरित कर सकते हैं। इसमें विशेष ध्यान रखना है कि जो पहला नियम है वो नियम ये है कि स्थान परिवर्तन किया जाए आगे से पीछे और पीछे से आगे। उत्तर पद के स्थान पर पूर्व पद लिखना और पूर्व पद के स्थान पर उत्तर पद लिखना। समास विग्रह करते समय जो संज्ञा शब्द है उसमें इन अव्यय शब्दों के अनुसार, इन अव्यय शब्दों के अनुसार विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसमें विभक्ति हम लगाते हैं। यदि नियम के अनुसार उस संज्ञा में, उस शब्द में विभक्ति का प्रयोग नहीं किया है तो हमारा जो समास विग्रह है वो समास विग्रह पूरी तरह से गलत हो। आइए अब हम इसके उदाहरण देते हैं, ये आप नोट कर लें नहीं किए हो तो, और यदि कर लिया हो तो मैं आगे अपना बिंदु बढ़ाता हूं, इसके उदाहरण देता हूं। जैसे जैसे सबसे पहले हम उप के उदाहरण देते हैं, आप कितने ही उदाहरण दे सकते हो। नियम यदि आपको पता है, अब ये शब्द का यदि आपको पता है कि इसकी स्थान पर इस अव्यय शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। यदि आपको ये पता नहीं है कि इस अव्यय शब्द के स्थान पर हमें इस अव्यय शब्द का प्रयोग करना है तो हम उसके उत्तर नहीं दे सकते। जैसे उप गंगम, पहले नियम के अनुसार उप नदी, नदी वाची शब्द, पंच यमुना, ये इकारांत शब्द, ये नदी वाची शब्द, अनु रामम और
सो मात्रम दौर यावनम निर्धनम। उदाहरण बहुत है लेकिन एक एक दो दो ही नियम के अनुसार मैं यहां उदाहरण दे रहा हूं। निर्धनम यथा शक्ति प्रति रात्रम आधि हरि। देखिए ये समस्त पद हैं। उपगंगम विभक्ति षष्ठी गंगाया समीप, स्थान परिवर्तन कर दिया आगे से पीछे और पीछे से आगे। उप नदी नदी के पास में, नद्या समीपम उप की जगह पे क्या लगा दिया समीपम। स्थान परिवर्तन पूर्व पद को कहां ले गए उत्तर पद में, उत्तर पद को कहां ले आए पूर्व पद में। पंचा नाम यमुना नाम समाहार इति। समास विग्रह उसी प्रकार होगा जिस प्रकार से द्विगु समास में होता है। राम विभक्ति कौन सी लगेगी षष्ठी, अनु के बाद में या अनु के स्थान पर पश्चात राम के बाद। इसमें रूप दिया है गुण दिया है तो इसमें लगेगा योग्यम। गुणानाम योग्यम सुमद्रम सु समृद्धि मद्रा नाम समृद्धि। मात्र देशों की समृद्धि दुर्यवनम विभक्ति कौन सी लगाएंगे शास्त्री, यवना नाम दुर की जगह पे वृद्धि अर्थात विनाश। निर्धनम निर के स्थान पर अभाव विभक्ति शास्त्री। धनस्य अभाव या अभाव प्रति रात्र, प्रति के स्थान पर प्रति संज्ञा को कितनी बार लिखते हैं दो बार, रात्रि रात्रि प्रति। आदि के स्थान पर इति विभक्ति कौन सी लगाते हैं सप्तमी, हरि की सप्तमी बनती है हरौ इति। इस प्रकार से हम समास में परिवर्तन करते हैं। विशेष का ध्यान रखना है स्थान परिवर्तन किया जाता है, किस शब्द के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं उस नियम के अनुसार उसमें उसी विभक्ति का प्रयोग करें। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है वो भी आप समझें। से चक्र से के दो अर्थ हैं, एक तो होता है साथ और एक होता है सादृश्य। समान समान अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और साथ अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चक्रे संहिता इसमें विभक्ति का प्रयोग है तृतीया से हरि, यहां जो विभक्ति का प्रयोग करेंगे
उस विभक्ति का प्रयोग करेंगे षष्ठी। समान अर्थ में सादृश्य, सादृश्य। इसी प्रकार सह की जो अर्थ है वो दो अर्थ है, सात अर्थ में और समान अर्थ में। उसी प्रकार यथा के भी चार अर्थ होते हैं, योग अर्थ में, दीपसा अर्थ में, और तीसरा होता है सीमा का अतिक्रमण नहीं करना। चौथा है जो हमने अभी किया है वो है समान अर्थ। ये जो है ये सभी यथा के ही भाग है, यथा के ही अर्थ माने जाते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी समास का अर्थात सॉरी अव्यय भाव समास का समास विग्रह कर सकते हैं। इसके बाद आता है अति, जैसे अति हिमा। इसका बनेगा विभक्ति षष्ठी का प्रयोग करेंगे और अति के स्थान पर अत्य का प्रयोग कर दे। अत्य माने उसका अधिक, अत्यधिक रूप में प्रयोग नहीं करना या अनुचित अर्थ में ना हिमस अत्य, हिम का अत्य हो। इस प्रकार से हम इस समास का समास विग्रह कर सकते हैं। एक मैंने उदाहरण अव्यय शब्द लिखाया था इति, तो इति के स्थान पर शब्द का प्रादुर्भाव होता है, शब्द का शब्दस्य प्रादुर्भाव यानी शब्द का प्रकार। इति शब्दस्य प्रकार है, इति यदि दिया हो, क्या दिया हो, इति यदि दिया हो तो हम उस संज्ञा शब्द के बाद में शब्दस्य प्रकाश का प्रयोग करके उसका समास विग्रह कर देखें। जैसे यह इति हरि, तो इसका होगा हरि शब्दस्य प्रकाश, यानी इस का जो हम उदाहरण देते हैं इति यदि दिया हो तो उसमें शब्द का प्रकाश होता है। इस प्रकार से हम इसका समास विग्रह कर सकते हैं। ये अव्यय भाव समास के उदाहरण नियम, सभी नियम मैंने आपके लिए दिए हैं। इनमें यदि आपको कहीं पर भी कोई समस्या यदि आती है, समस्या यदि आती है तो आप इस नियम के अनुसार नियम पढ़ें और नियम के अनुसार किसी भी समास विग्रह का या समस्त पद का उत्तर बड़े ही सरल तरीके से आप लोग दे सकते हो। इस प्रकार से ये जो अव्यय शब्द है इसमें मैंने दो उदाहरण दिए हैं आपके लिए, सह माने साथ और सह का जो दूसरा अर्थ है वो होता है क्या, सादृश अर्थ में यानी समान अर्थ में। कभी कभी इसका प्रयोग, सह का जो प्रयोग है वो संपत्ति दिखाने के लिए भी हो जाता है। कभी कभी इसका प्रयोग संपत्ति दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग, तीसरा जो प्रयोग है वो हो जाता है। जैसे सह छत्र, जैसे ये उदाहरण है सह छत्रम, इसका छत्र यानी छत्राणाम, छत्रा नाम संपत्ति, छत्रियों की संपत्ति। इस प्रकार से इसका जो ये जो तीसरा नियम है वो इस प्रकार से विभक्ति षष्ठी का प्रयोग करते हैं, सात अर्थ में तृतीया का प्रयोग करते हैं, समान अर्थ में और संपत्ति दिखाने में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये जो उदाहरण पाणिनी जी ने जो उदाहरण दिए, ये उदाहरण, इनके जो अलग अलग उदाहरण आपको मिलते हैं ये बड़े ही मुख्य उदाहरण माने जाते हैं और कंपटीशन के प्रश्नों में अधिकांशतः ये गिने
चुने ही प्रश्नों को पूछा जाता है। इन प्रश्नों का को आप विशेष ध्यान रखें। इस समास में एक ही बिंदु पर विशेष नजर रखें कि अव्यय शब्द का स्थान परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन करते समय उसके पर्यायवाची लगाए जाते हैं, उसी के आधार पर संज्ञा में विभक्ति लगाई जाती है। इस प्रकार से ये अव्यय भाव समास आज यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।